बाल विवाह एक अभिशाप प्रस्तावना भारतीय संस्कृति संस्कारमय है। पूर्व पुरुषों ने मानव जीवन में षोडश संस्कारों की व्यवस्था की थी। पाणी ग्रहण अथवा विवाह इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। विवाह ग्रस्त जीवन का प्रवेश द्वार है। आश्रम व्यवस्था में प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचार्य अथवा छात्र जीवन के लिए नियत किए गए थे। आज की परिस्थितियों में यह सीमा कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष स्वीकार की गई है। विवाह का महत्व। विवाह पारिवारिक जीवन का आधार है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाहोपरांत संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। विवाह के पश्चात ही अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होती है। अतः विवाह का रूप और विधि चाहे जो भी हो, यह मानव जीवन की एक अति महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक आवश्यकता है। विवाहों के प्रकार मुक्त यौनाचार और उससे उत्पन्न विकट सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए विवाह सभी समाजों में एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्य है। भारतीय मान्यता के अनुसार विवाह के तीन रूप प्रचलित हैं। क ब्रह्म विवाह, माता पिता द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर कन्या दान किया जाना ब्रह्म विवाह कहलाता है। ख गंधर्व विवाह, जब स्त्री पुरुष स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का वरण कर लेते हैं तो वह गंधर्व या प्रेम विवाह कहा जाता है। ग राक्षस विवाह, पुरुष द्वारा कन्या का बलात् अपहरण करके उससे विवाह किया जाना राक्षस विवाह कहा गया है। विवाह के विकृत स्वरूप। सामाजिक परिस्थितियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों के कारण विवाह के अनेक विकृत रूप भी प्रचलित हो रहे हैं। इनमें बाल विवाह, बहुविवाह, कुलीन विवाह, अनमेल विवाह आदि ऐसे ही रूप हैं। बाल विवाह, जन्म लेने से पूर्व अथवा बहुत छोटी आयु में लड़के लड़कियों का विवाह करना बाल विवाह है। भारत में ऐसे विवाह आज भी होते हैं। कानून की दृष्टि से बाल विवाह अपराध है। राजस्थान में अक्षय तृतीया के अवसर पर भी ऐसे बच्चों के विवाह होते हैं जिनको उनके माता पिता अपनी गोद में उठाकर विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं। हिंदुओं में यह एक पुण्य कार्य है, किंतु यह कार्य देश तथा मानवता के प्रति अपराध से कम नहीं है। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप। अपूर्ण मानसिक विकास और अपरिपक्व शरीर पर मातृत्व और पितृत्व का बोझ लाद देना वस्तुतः विवाह संस्कार का उपहास है। यह दुर्बल और रोगी संतानों की भीड़ बढ़ाकर जनसंख्या के विकट समस्या में आहुति डालने वाला एक राष्ट्रीय अपराध है। इसी ने समाज में बाल विधवाओं की संख्या में वृद्धि करके नारी के तिरस्कार और उत्पीड़न का मार्ग खोला है। यह नारी जाति के साथ एक धर्म का ठप्पा लगा कुसित षड्यंत्र है। उपसंहार। यद्यपि सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है, किंतु इस धर्म प्राण देश के अनेक प्रदेशों में आज भी कानून को धत्ता बताते हुए बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे हैं। आज इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति की महत्ता आवश्यकता है। अतः सरकार और जनता दोनों को ही इस कुप्रथा के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। परिवार नियोजन को पलीता लगाने वाले और नारी की गरिमा और वर्ण स्वतंत्रता का विनाश करने वाले बाल विवाहों पर जितना शीघ्र विराम लग जाए उतना ही देश और परिवार के हित में होगा।